प्रेगनेंसी कौन से योगासन, प्राणायाम या फिर प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं करनी चाहिए? वंदना जी, वैसे तो 1.5 महीने बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है आपकी, आसन प्राणायाम शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन अगर डिलीवरी आपकी नॉर्मल नहीं है तो कम से कम 8 महीने बाद आपको आसन प्राणायाम पूरी तरह से शुरू करने चाहिए। लेकिन थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप स्टार्टिंग से ही, डे 1 से ही स्टार्ट कर दें। मोस्टली आफ्टर डिलीवरी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत मैंने देखा है, और कॉन्स्टिपेशन इतना ज्यादा हो जाता है कई बार कि फाइल्स बन जाते हैं, कमर में दर्द सीवियर शुरू हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से आसन, योगासन, प्राणायाम या क्रियाएं करनी चाहिए। इस बार हम बात करेंगे कि आफ्टर प्रेगनेंसी कौन से योगासन, प्राणायाम या फिर प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं करनी चाहिए। तो आप हमें बताएं कि कौन से योगासन करना, प्राणायाम करना लाभदायक होता है। वंदना जी, वैसे तो 1.5 महीने बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है आपकी, आसन प्राणायाम शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन अगर डिलीवरी आपकी नॉर्मल नहीं है तो कम से कम 8 महीने बाद आपको आसन प्राणायाम पूरी तरह से शुरू करने चाहिए। लेकिन थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप स्टार्टिंग से ही, डे 1 से ही स्टार्ट कर दें। उसमें ज्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे लेटे लेटे ही अपने हाथों को हिला लिया, गर्दन को हिला लिया, लेकिन जो प्रॉपर आपकी एक्सरसाइज है वो 3 महीने बाद शुरू होती है। और अगर बिल्कुल फिट एंड फाइन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1.5 महीने बाद भी इसको शुरू किया जा सकता है। ये तो आप खुद देखेंगे कि हमारी कंडीशन कैसी है। अगर आपको लग रहा है 1.5 महीने बाद कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की, आपकी मेंसेस भी बंद हो चुके हैं और अब आपको पेट में भी भारीपन या हैप्पीनेस फील नहीं हो रहा है, तो आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन का होना एक मेजर कॉज है कि डिलीवरी के बाद मोस्टली सबको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप जितना भी हैवी खाना खाते हैं, कई बार घरों में लोग लड्डू बना करके घी, दूध, दही ज्यादा ज्यादा खिलाते हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, बैकएक और पेट का बढ़ना, ये सारी कॉमन प्रॉब्लम है आफ्टर डिलीवरी। इनसे कैसे निजात पाया जाए आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आप एनीमा का इस्तेमाल करें। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे कब्ज है, तो घर में ही आप एनीमा पॉट लाकर के रख लें, और डिलीवरी के तुरंत बाद, जैसे ही डिलीवरी हुई है उसके बाद, जैसे ही आपको नेक्स्ट डे ऐसा लगे कि आज मुझे मोशन नहीं हुआ है, तो आप एनीमा का इस्तेमाल कर लें। गुनगुना पानी डिब्बे के अंदर डाल करके रेक्टम में इंसर्ट करें, और स्टिचेस नहीं भी आए हुए होते हैं तो वहां पे फाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इतना भयंकर कॉन्स्टिपेशन उनको होता है। ये इस अवस्था से सभी लेडीज गुजरी होती है कहीं ना कहीं, तो मुझे पता है क्योंकि मेरे जब डिलीवरी हुई तो बच्चा 4.5 किलो की मेरी बेटी हुई थी, और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी क्योंकि बच्चे का वजन ज्यादा हो गया है। बच्चे का वजन ज्यादा होना किसी भी तरह से ये नहीं माना जा सकता है कि आपकी डिलीवरी सिजेरियन होगी या नॉर्मल होगी। आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है, अगर आपने पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्टिव होकर के बिताया है, आपने काम किया है, आपने एक्सरसाइज की है, अपना खान पान ठीक रखा है, तो बच्चे का वजन बेशक आप 4-5 किलो है, आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, सबसे पहले एनीमा का इस्तेमाल करें। एनीमा करने के बाद आप घटी स्नान कर सकते हैं, टब में बैठ सकते हैं, उसमें ज्यादा ठंडा पानी ना रखें। ये मैंने पहले भी बताया था कि घटी स्नान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करना है, लेकिन आपको डिलीवरी के बाद भी करना है, लेकिन हल्का गुनगुना पानी रखें उसके अंदर। तेज ठंडा पानी या ठंडे पानी को अवॉइड करके गुनगुने पानी के अंदर आप टब में बैठेंगे।
तो ये कटी स्नान और एनीमा दो क्रियाएं आप जस्ट बाद कर सकते हैं डिलीवरी के बाद। इसके बाद जब हम प्राणायाम पे आते हैं तो 3 महीने बाद धीरे धीरे कपालभाति करना, बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना किसी भी तरह से, नॉर्मल ब्रीदिंग। भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इसके बाद जो आसनों की सीरीज है वो हम बताते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा आसन है। सबसे पहले आप सीधे लेट जाएं, दोनों हाथों को साइड में फैला लें, पैरों में गैप रखें, धीरे धीरे पैरों को राइट टर्न करेंगे और गर्दन को लेफ्ट लेकर के जाएंगे। इतना खींचे कि आपके दोनों घुटने फर्श पे टच हो जाए, गर्दन को अपोजिट लेकर के जाएंगे। कम से कम 10 सेकंड की होल्ड करेंगे, यहीं पे होल्डिंग करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए, फिर श्वास निकालते हुए धीरे धीरे अपोजिट, कोशिश ये करें दोनों घुटने टच हो जाए, अपोजिट अपने हाथ को लें, धीरे धीरे 10 सेकंड की होल्डिंग, धीरे धीरे वापस। इससे आपका जितना भी वेस्ट पे फैट जमा था या आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी थी, दोनों का सॉल्यूशन करेगा और आपकी बैक के पेन को ठीक करेगा, बढ़ा हुआ हिप्स, बढ़ा हुआ पेट और बैक पेन। इसके बाद दूसरा आसन जो हम करेंगे, पैरों को हल्का सा गैप देकर के रखेंगे, हाथ अगर आपके पहुंच जाते हैं पैरों तक तो पहुंचने दें, अदरवाइज ऐसे ही आप साइड में फैला लें, श्वास अंदर भरेंगे, धीरे धीरे पैर को उठाएंगे। श्वास निकालते हुए धीरे से वापस, इसके बाद धीरे से आप उल्टे हो जाइए, यहीं पे प्रॉन पोस्चर, पेट के बल होने वाले आसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएंगे, हाफ भुजल, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे। अब हाथों को खड़ा करके धीरे धीरे श्वास भरते हुए पूरा सीधा हो जाएंगे, एल्बोज को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, इनहेल, जितना हो सके मैक्सिमम कीजिए, मुंह से शीघ्र आवाज के साथ वापस, नाक से भरना है और मुंह से शीघ्र आवाज के साथ वापस आना है। एक बार फिर देखिए, इसको 30 टाइम्स करना है एक राउंड में, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ती जाए इसके टाइमिंग्स को आप बढ़ाते जाइए। अब पैरों में गैप रखेंगे हल्का सा और हाथों को पैरेलल रखेंगे पैरों के साथ। बैक पेन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है आफ्टर डिलीवरी लेडीज को, सांस भरते हुए धीरे धीरे बैक को ऊपर खींचिए, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे ऊपर जाए। कैट पोज, कैट कैमल पोज भी बोलते हैं इसको, श्वास भरते हुए बैक को पूरा ऊपर खींचे, इनहेल, कर्व बना दे, जितना हो सके बैक में ऊपर कर्व रखे, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे ऊपर दे, फिर श्वास भरते हुए आप दोनों हाथों को फैला लें, पैरों में गैप रखें, धीरे धीरे गर्दन को अपोजिट लेके जाएं, पैरों को अपोजिट लेकर के जाएं, मरकट आसन में 10 to 20 सेकंड की होल्डिंग करें, धीरे धीरे फिर वापस अपोजिट लेकर के जाएं, 10 to 20 सेकंड की होल्डिंग करें, धीरे धीरे फिर वापस, इस तरह से 24 राइट से 24 लेफ्ट से, टोटल 48 टाइम्स इस एक्सरसाइज को करेंगे। इसके बाद धीरे से एक पैर को वापस ला करके पेट के पास ले आए, श्वास निकालते हुए गर्दन ऊपर, अर्ध पवन मुक्तासन, इसी तरह से दूसरे पैर से कर ले। अब दोनों पैरों से करें एक साथ पवन मुक्तासन, ये आपका जो पेट नीचे से लटक जाता है, मोटा हो जाता है, फैटी हो जाता है, बैली फैट बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी के बाद बढ़ जाता है, तो दोनों पैरों को जोर से पुश कर ले, श्वास निकालते हुए गर्दन ऊपर उठाए, यही होल्ड करें, जितना हो सके मैक्सिमम 20-30 सेकंड की होल्डिंग यहाँ पे करेंगे, तो आपका पेट धीरे धीरे अंदर जाएगा,
धीरे से रिलीज करके वापस आ जाए। इसमें श्वास को बाहर निकाल करके होल्ड करेंगे, लेकिन जब आपसे श्वास नहीं कंट्रोल होगा तो ब्रीदिंग को आप नॉर्मल रखेंगे। धीरे से वापस आ जाए। अब पेट के बल होने वाले आसन है एक दो, आप पेट के बल हो जाए। पहले अर्धभुजंग करेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथ यहां रखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, जितना हो सके ऊपर स्ट्रेच करें, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। इनहेल, कोशिश ये करें पीछे से पैर आपके मिले रहे, टच रहे एरिया, और गर्दन को मैक्सिमम पीछे खींचे, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। स्टार्टिंग में 10 से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे 20, 30, 40 और 50 टाइम्स तक आप भुजंगासन को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दोनों पैरों को मोड़ करके पकड़ लें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे धनुरासन, श्वास भरते हुए। धीरे से वापस। अब धीरे से बैठ जाए वज्रासन में, क्योंकि हमने बैक को पीछे की तरफ टर्न किया है, अब आगे टर्न करने के लिए श्वास भरते हुए ऊपर जाए, श्वास निकालते हुए नीचे आए, शशंकासन, हेड डाउन, श्वास नॉर्मल। 5-6 बार इस तरह से डीप ब्रीदिंग करें, धीरे से वापस। मंडूक आसन भी कर सकते हैं, लेफ्ट हथेली नीचे, राइट ऊपर, श्वास बाहर, हेड डाउन, सामने देखें, धीरे से वापस। इसी का नेक्स्ट पोज है, इस तरह से अंगूठे मिला लें और धीरे से पैरों के ऊपर लगा दें, श्वास निकालते हुए हेड डाउन कर दें, धीरे धीरे वापस आ जाए। बहुत ही आसान और हर कोई करने वाले ऐसे आसन है कि हर लेडी, हर माँ बहन कर सकती है इनको। धीरे से हाथों को ऐसे ब्लॉक करके सिर के ऊपर रख ले और धीरे धीरे ट्विस्ट करें लेफ्ट एंड राइट। बैक में होने वाला पेन बहुत परेशान करता है डिलीवरी के बाद, तरह तरह से जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं और बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा फैट जो जम जाता है। धीरे से वापस आ जाए। जब आप फीड करवाते हैं डिलीवरी के बाद बेबी को, कोशिश ये करें कि सीधे बैठ करके फीड करवाएं। कई बार हम आगे जाते हैं, उससे कमर का दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। आप नीचे कोई पिलो लगा लें, पिलो के ऊपर बेबी को रख के फीड करवाएंगे तो आपका बैक पेन नहीं होगा। और कोशिश करें आपका स्ट्रक्चर, आपका पोस्चर स्ट्रेट रहे, बॉडी अलाइनमेंट आपका सीधा रहे। उसके लिए हार्ड बेड इस्तेमाल करें सोने के लिए, तो आपको आफ्टर डिलीवरी बैक पेन या बढ़ा हुआ पेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। खाने में भी मैंने आपको बता दिया है कि हल्का ही भोजन लें, दूध घी दही सारी चीजें जरूरी है। एक संतुलित आहार होना चाहिए जिसमें हर चीज की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बैलेंस में होना चाहिए। क्वालिटी फूड खाएं, क्वांटिटी ज्यादा ना रखें। विजेता जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। ज्योतिषी कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल, इस विद्या को जानकर। ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।